जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप भी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर नई शिक्षा नीति के कारण रिजल्ट से बच्चे हुए परेशान, किस प्रकार यहाँ पर नई शिक्षा नीति यहाँ पर लागू हुई है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में, जिससे काफ़ी सारे छात्र छात्राएं यहाँ पर परेशान नजर आए। मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन कॉल वगैरह आए थे, प्रो प्रमोटेड, ठीक है, प्रो प्रमोटेड वाला यहाँ पर लोचा भी आया था, जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिजल्ट देखने में बच्चों को परेशानी हुई। ठीक है, प्रो प्रमोटेड मतलब यहाँ पर जो है कुछ क्लियर नहीं हुआ है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का कि क्या मतलब है। ठीक है, एक सूचना कम से कम दे देना था छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को। अगर आप भी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपके प्रश्न रहते हैं उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, आपकी परेशानी का यहाँ पर निवारण करते हैं। और कुछ बच्चों को यहाँ पर 00 अंक भी मिले हैं, कैसे मिले वो देखेंगे आगे इस वीडियो पर। और प्रभारी क्या बोल रहे हैं इस विषय पर वो भी देखेंगे कि आलू प्याज रेत गिट्टी लिखा है कैसे दें अंक पेपर में। ठीक है, यहाँ बच्चों द्वारा आलू प्याज रेत गिट्टी लिखा गया पेपर में, तो अंक कैसे दें यूनिवर्सिटी द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है प्रभारी के द्वारा। आगे देखेंगे क्या न्यूज़ है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लिया करो क्योंकि आपका यहाँ पर फायदा होने वाला है। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी जानकारी रहती है आप तक हम सबसे पहले वीडियो के माध्यम से पहुँचाते हैं, और जो भी आपकी समस्या रहती है उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। ठीक है, हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपके लिए जो है उतनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, और आपके जो भी प्रश्न है उसके जो है जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो और सभी दोस्तों को शेयर कर दिया करो और दबा के लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर न्यूज़ वगैरह हम देख लेते हैं। साथ में टेलीग्राम भी ग्रुप है हमारा, वहाँ पर भी जानकारी आपको हम देते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, प्लीज़ ज्वाइन कर लिया करो। टेलीग्राम ग्रुप मोबाइल स्टडी पॉइंट्स से है। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे यूनिवर्सिटी के खिलाफ हम आवाज़ उतना उठा सकेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो और साथ पे अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। ठीक है, यहाँ पर न्यूज़ क्या है, राजशंकर शाह छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय बच्चों का कर रहा भविष्य बर्बाद। जैसे कि अभी प्रो प्रमोटेड का रिजल्ट था, जिससे किसी को समझ में नहीं आया कि प्रो प्रमोटेड मतलब होता क्या है, सप्लीमेंट्री होता है, फेल क्या फेल होते हैं, क्या होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, कम से कम यूनिवर्सिटी को यहाँ पर इस विषय पे क्या करना था, कम से कम एक नोटिफिकेशन दे देना था कि भाई प्रो प्रमोटेड मतलब होता क्या चीज़ है ये सब। तो यहाँ पर काफ़ी समस्याएँ झेलनी पड़ रही है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के ऊपर, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जब से यहाँ पर बना है। तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की तरफ से न्यूज़ है, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के रिजल्ट से बच्चों का भविष्य खराब, बच्चे हो रहे परेशान। अप्रैल 14, 2023 की यहाँ पर न्यूज़ है। नई शिक्षा नीति के चलते यहाँ पर जारी हुआ रिजल्ट, बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि रिजल्ट कैसा आया है। ठीक है, यहाँ पर वही प्रो प्रमोटेड ये सब लिखकर आ रहा है, तो वही समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार मैं कह रहा था कि कम से कम एक यूनिवर्सिटी सूचना दे देता तो उससे कम से कम पता चल जाता। ठीक है, और यहाँ पर छिंदवाड़ा लक्ष्मी प्रसाद नागवंशी जी के तरफ से यहाँ पर न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थापित राजशंकर शाह विश्वविद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक कक्षाओं की परीक्षा ली गई, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा लापरवाही के साथ साथ छात्र छात्राओं का परिणाम घोषित किया गया, जिसके चलते बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल के छात्र विश्वविद्यालय के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। और जिसका एक उदाहरण शासकीय महाविद्यालय जो नरदेव के छात्रों को जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय में जो है छात्र छात्राओं को 0 अंक विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर दिया गया है और छात्र छात्राओं को फेल घोषित किया गया है। साथ ही दूसरी और बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं जिन्हें 1 या 2 नंबर के चलते फेल कर दिया गया, और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पेपर दिए थे उन्हें 0-0 नंबर देकर फेल कर दिया गया है। इस बात से साफ जाहिर है कि छात्र छात्राओं ने पेपर दिया उसके बाद ही परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँचकर्ताओं द्वारा लापरवाही बरती गई। ठीक है, यहाँ पर अब भाई पेपर आता है, उतने पेपर में से अगर 1-2 विकल्प 5 विकल्प आते हैं उनमें से कम एक विकल्प भी तो सही हो सकता है। और भाई बीएससी बीए बीकॉम कर रहा है, कम से कम इतनी अकल तो होगी कि वो भाई 1 अंक यहाँ पर ला सकता है। किस प्रकार यहाँ पर 0-0 अंक दिया गया वो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने कई सारे मार्कशीट यहाँ पर देखा था, लेकिन यहाँ पर एक मार्कशीट यहाँ पर लिया है मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर का, यहाँ पर 0-0 अंक यहाँ पर दिया गया। तो उतने सारे विकल्प आते हैं, ठीक है, पेपर में 5-5 विकल्प आते हैं एक पेपर में, तो उनमें से कम अगर तुक्का लगाए भी तो कम से कम एक विकल्प सही हो जाता है। और भाई जब यहाँ तक पहुँच गया है बीएससी में, ठीक है, तो कम से कम 1 या 2 अंक तक की तो आराम से कर ही सकता है, 0 अंक कैसे आएंगे आप ही सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ तक की सही है, गलत है, क्या किया यूनिवर्सिटी ने, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आखिर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी सही है, गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आप ज़रूर बताइएगा। और नीचे और यहाँ पर न्यूज़ देखने वाले हैं तो अंत तक देखिएगा। विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसके चलते विश्वविद्यालय कह रहा है, विश्वविद्यालय के आईटी
से प्रभारी द्वारा छात्रों को बोला जा रहा है कि आपके द्वारा विषयों में आलू प्याज रेत गिट्टी ये लिखा गया है, जिससे आपको 0 नंबर मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी के आईटी प्रभारी द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि आप जो है विषय में आलू प्याज रेत गिट्टी यहाँ पर मतलब कुछ भी लिखा है, इसलिए यहाँ पर आपको 0 नंबर दिया है। तो भाई यहाँ तक की आ गए हैं विश्वविद्यालय तक की, बीए बीएससी बीकॉम तक की, तो भाई ऐसा तो कुछ लिख नहीं सकते, कुछ इस प्रकार रिलेटेड ही तो लिखेंगे। तो 0 अंक यहाँ पर भाई ये तो समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है कि 0 अंक क्यों दिया है। ठीक है, क्या मतलब है भाई कि आगे हम देखते हैं किस किस प्रकार क्या सूचना है। इस प्रकार के सवाल परेशान छात्र छात्राओं से आईटी सेल प्रभारी द्वारा किया जा रहा है, और साथ ही छात्र छात्राओं की समस्याओं का निदान करने के बजाय विश्वविद्यालय के स्टाफ द्वारा संतोष जवाब ना देकर परेशान किया जा रहा है। और जहां उस शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा पद्धति लागू की गई, वहीं राधा शंकर शाह विश्वविद्यालय बनाकर छिंदवाड़ा जिले के छात्र छात्राओं एवं राधा शंकर शाह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न महाविद्यालय के छात्र परेशान नजर आ रहे हैं, और काफ़ी महाविद्यालय के मतलब कभी महाविद्यालय के चक्कर तो कभी विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति की गैर मौजूदगी में छात्र छात्राओं को दिनभर धूप में विश्वविद्यालय परिसर में जो है परेशान होना पड़ रहा है, और विश्वविद्यालय द्वारा निराश किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति के कारण वैसे ही बुरे हाल है। ठीक है, प्रोमोटेड मतलब अजीब सा यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है, और साथ में जो है प्रोफेसरों और आईटी प्रभारी द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है आलू प्याज गिट्टी वगैरह लिखे हैं तो क्या नंबर देंगे। ठीक है, तो कम से कम यहाँ 0-0 तो भाई बीएससी लेवल तक की पहुंच गए हैं, बीए बीएससी बीकॉम तक, तो यहाँ पर 0 अंक तो आ नहीं सकते। अब ये क्या है पता नहीं, मैंने कई सारे रिजल्ट देखा था और कई सारे कमेंट वगैरह भी आ रहे थे, और साथ में मेरे पास रोल नंबर वगैरह भी आए हैं 0-0 अंक के, तो उसमें से एक मार्कशीट यहाँ पर मैंने लिया था। तो इस प्रकार यहाँ पर कई सारी समस्याएँ छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा झेलनी पड़ रही है। तो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से गुजारिश है कि वो अच्छा से अच्छा रिजल्ट दें। ठीक है, अभी अब कुलपति वगैरह चेंज हुआ है, हो सकता है आपको जो है अच्छी रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, और हो सकता है तो यहाँ पर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी द्वारा एक सुधार जरूर करना चाहिए कि भाई जो भी यहाँ पर रिजल्ट आता है, रिजल्ट में कुछ लिखा आता है तो उसकी सूचना कम से कम रिजल्ट के नीचे, ठीक है, उसके रिजल्ट के नीचे दे दें कि भाई उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, प्रो प्रमोटेड आया, ठीक है, तो उसका क्लियर करके दे देना था कि भाई नीचे प्रो प्रमोटेड मतलब होता क्या चीज़ है आखिर। इस प्रकार यहाँ पर अगर सूचना मिल जाती है तो बच्चों को उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की नई शिक्षा नीति से सब पूरे एक प्रकार से भविष्य बर्बाद, कई फैल हुए हैं, कई इनको अब 0 अंक मिला है। ठीक है, तो कुछ तो किए होंगे उनने भी, बाकी देख लेना। ठीक है, यहाँ पर अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं। यूट्यूब पे आप मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे, और आप अभी फिलहाल पे वीडियो भी देख रहे हैं, वहीं से सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आगे अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा मोबाइल स्टडी पॉइंट नाम से ही, और व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट भी आपको मिल जाता है जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर वगैरह दिया हुआ है नीचे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस पे डायल कर सकते हैं जो भी समस्या आ रही है। तो बाकी चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, जो भी सपोर्ट चाहिए हमारे इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेगी। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, सभी सुविधाएँ हैं हमारे चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ठीक है, आपको भी सपोर्ट यहाँ पर फुल मिलेगा, जितना ज़्यादा हमें आप सपोर्ट करेंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो लाइक सभी किया करो, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा अगर वीडियो देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।